हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सो मोस्ट वेलकम इन एग्जाम वर्ल्ड। गाइस, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपसे मार्क्स अपडेट करने के बाद आने वाले इश्यूज की, कि एडमिशन टाइम पे आपको क्या इश्यूज आ सकते हैं, साथ ही साथ रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे और जो रिजल्ट्स के बाद का प्रोसेस होता है। खासकर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं पहले ये बता देता हूँ, रिजल्ट जो है वो लगभग नेक्स्ट वीक दे देना चाहिए यूनिवर्सिटी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। लेकिन मार्क्स अपडेट के हिसाब से और पीएचडी के रिजल्ट्स में जब हम चीजें देखते हैं, तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं 4 से 5 दिन के अंदर रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देगा यूनिवर्सिटी। और दूसरी चीज अगर मैं कहूँ सिंपल सी लैंग्वेज में एक बात करूँ, तो बुधवार तक मुझे लगता है कि रिजल्ट्स, बुधवार या गुरुवार तक रिजल्ट्स आ जाने चाहिए नेक्स्ट वीक में। खैर, ये तो होगी रिजल्ट्स आने की, वो इतना लेट हो चुका है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत लगाई, बहुत मेल डाले, बहुत सारी चीजें की इस दौर में, और एक लंबे कहें कि इंतजार के बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। लेकिन जो भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं जब चीजें हो रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक जो होता है कि एक लंबे इंतजार के बाद एक आशा की किरण जागती है कि चलो अब रिजल्ट्स आएगा तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा, हमारी स्टडीज स्टार्ट होंगी। खैर, स्टडीज स्टार्ट बाद में होंगी, उससे पहले जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अगर मैं कहूँ आपसे कि जिस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपसे, फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा अगर मैं कहूँ आपको, तो जो प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ेंगी, वो देखनी पड़ेंगी स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन के दौरान। जब आप डॉक्यूमेंट्स के बाद, जब डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका रिजल्ट्स आने के बाद, आप बीए में हैं या मास्टर्स में, क्योंकि बीए और एमए में क्या होता है कि आपको पता होगा इंटरव्यू नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इंटरव्यू भी होता है, बीए और एमए में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट आपका एंट्रेंस बेस पे रिजल्ट आते हैं और उसी बेस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। तो यहाँ जो प्रोसेस है वो फाइनली एक कहें कि क्विक, तुरंत रिजल्ट आता है और अगले दिन उसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उस लिंक, उस खासकर फी कट करने के बाद, और जब वो फी आप दे देते हैं, आफ्टर दैट यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। एंड अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आप उसके बाद क्या ले सकते हैं, एक्सटेंशन ले सकते हैं। और मैंने एक अपने वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आप वो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए टाइम चाहते हैं, तो यूजीसी का जो निकला था एक ऑर्डर था, उसमें ये था कि इस साल जो भी अकेडमिक्स में एडमिशन दिए जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट्स, खासकर मार्कशीट या माइग्रेशन वगैरह जो जो कि अकेडमिक से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको आप लास्ट 31 दिसंबर तक टाइम जो यूनिवर्सिटी है उसे देना चाहिए। हो सकता है ये जेएनयू अपने बेस पे जनवरी तक भी बढ़ा सकता है जिन स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं आएंगे। एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे आपको, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस तरह से होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह ऑनलाइन ही होगा, और आपकी क्लासेस भी जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो अभी तक ऐसे चांसेस नहीं लग रहे हैं कि वो ऑफलाइन स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी तक ऑफलाइन क्लासेस जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी हैं जेएनयू में, सेकेंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा है जिनका, उनकी क्लासेस भी अभी ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुई है। तो हम ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर जेएनयू कैंपस के अंदर होने वाला है, तो इस चीज के लिए तो आप तैयार रहिए। खैर, यहाँ पे और 2-3 चीजों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ आपसे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपके मन में ये आता होगा कि आखिर जो रिजल्ट्स जब आएंगे तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। तो उसके बाद का बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, और वेरीफाई करने के बाद अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, आपके जो भी खासकर कास्ट सर्टिफिकेट जिनका है तो कास्ट सर्टिफिकेट प्लीज अपना बनवा लीजिए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है, जिस कैटेगरी के अंदर आपने रिजर्वेशन लिया हो, रिजर्वेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको दिखाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी, ठीक है। और यहाँ पे वेरीफाई जब हो जाते हैं उसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, एंड ये आपको वेरीफाई होने के बाद प्रोविजनली एडमिट कर लिया जाएगा, प्रोविजनली एडमिशन हो जाएगा। जब भी कैंपस ऑफलाइन होगा, जब भी आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तब आपको कैंपस आना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन वेरीफाई कराना होगा, जैसा पिछले साल सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स के इस साल वेरीफाई हुए हैं, ठीक उसी तरह वो फिर चाहे आप एमबीए में अप्लाई किया हो, आपने बीएससी में किया हो, मास्टर्स में किया हो, या फिर पीएचडी में किया हो। सो गाइस, ये एक बहुत हम कहें कि इम्पॉर्टेंट भी है और जानना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगली प्रोसेस के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है रिजल्ट्स में। पीएसटी के वाइवा चल रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट जिनके वाइवा अभी स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि उनका डेट आई थिंक 23 से है, और
आप लोगों ने भी जो पीएचडी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, आप लोगों ने अपने सिनॉप्सिस वगैरह जिनका हुआ है तो उन्होंने अपने सिनॉप्सिस वगैरह भी तैयार कर ही लिए होंगे। और उसके अलावा जैसे पीएचडी हिंदी के लिए जिनका हुआ है तो अगर वो कोई हेल्प चाहते हैं तो हमारी टीम में जो सुनील सर हैं जो ऑलरेडी जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं, और तो कई सारे पीएचडी के जो हमारे टीम मेंबर्स हैं तो वो आप लोगों की उसमें भी हेल्प कर देंगे अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो। खैर वो सिनॉप्सिस से रिलेटेड चीजें होंगे, लेकिन यहाँ पे आप ऑनलाइन पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। और यहाँ पे अभी कोई आपको ऐसा बहुत बड़ा एक होता है ना टेंशन लेने का रिक्वायर्ड नहीं है कि आप रिजल्ट के रिगार्डिंग या डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग। मैंने आपको यहाँ पे बताया आप 31st of December यानी यूजीसी की गाइडलाइन है कि आप 31 दिसंबर तक बच्चों को टाइम दें ताकि हर एक स्टूडेंट अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे अच्छे से कर सके, डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करा सके। तो आप इस चीज के लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए कि आपको डॉक्यूमेंट कब तक सबमिट करने, 31 दिसंबर तो यूजीसी के अकॉर्डिंग है और जेएनयू का रिजल्ट लेट आएगा तो ऑफकोर्स डेट और एक्सटेंड होंगी। यहाँ पे स्टूडेंट विंग्स इसके लिए काफी काम भी करती है कि जब स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है तो काफी इस चीज में मैं कहता हूँ कि एक फेवर रहता है। तो यहाँ आपको एक अच्छा हेल्प मिलने वाला है टाइम का खासकर। बाकी जिनके सिलेक्शंस का जिनको चांसेस लग रहा है, जिनका स्कोर इतना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना सिलेक्शन, तो वो खासकर जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करते हैं हमेशा कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर दिया जाए। साथ ही साथ अगर आपको फिर भी डायरेक्टली अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे एग्जाम वर्ट ऑफिशियल हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए ताकि आपको वहाँ भी अपडेट मिलते रहें। एंड थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि हम डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे, देन हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ईमेल भी दिया हुआ है, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। और हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको हर हाल में उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद कर सके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।